हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फर्रुख मोगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अभी की जो हमारी वीडियो, ये एक मूवी की ट्रेलर की रिएक्शन वीडियो है। इस मूवी का नेम है बैटलियन 609। पहले हम देखेंगे इस मूवी का ट्रेलर और उसपे मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू इस मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम इस मूवी का ट्रेलर और उसपे मेरा रिएक्शन। खुदा की कसम ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। क्या बात है, बेहतरीन, जबरदस्त, ग्रेट। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का ट्रेलर और उसपे मेरा रिएक्शन। अब हम बात करेंगे आपसे इसी मूवी के हवाले से। हिंदी लैंग्वेज मूवी है, ड्रामा एक्शन और वार से भरपूर। और इस मूवी को डायरेक्ट किया और इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया है ब्रिजेश बतुकनाथ त्रिपाठी ने। और इस मूवी की जो कास्ट में शामिल है वो है शुएब इब्राहिम, इलियाना कंजान, फरनाज शेट्टी, विश्वास किनी, विक्की अजहूजा, विकास श्रीवास्तव वगैरह शामिल हैं। अब हम बात करेंगे आपसे इस मूवी के ट्रेलर के हवाले से, जो कि काफ़ी कमाल का था, एक तरह से आप कह लें आप काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और इस तरह की जो मूवीज़ होती हैं वार से रिलेटेड, तो वो काफ़ी मेहनत और लगन से बनती हुई, ज़ाहिर काफ़ी कुछ उसमें दिखाना होता है, बम ब्लास्ट, धमाके और काफ़ी सारी टीम और काफ़ी कुछ, और मार धाड़ एक्शन, जो कि एक तरह से आप कह लें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट किस्म का और हार्ड वर्किंग किस्म का टास्क होता है, जो कि डायरेक्टर और उनकी टीम वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से वो उसको सर अंजाम दे पाते हैं और शूट कर पाते हैं, जो कि वाकई में काबिले तारीफ और काबिले एहतराम किस्म का काम होता है। और जैसे कि मैं इस मूवी की स्टोरी के हवाले से बात करूं, तो वो ये है कि एक तरह से आप कह लें कि आजकल इंडिया पाकिस्तान और वार से रिलेटेड मूवी बेतहाशा बन रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द वार करीब है, क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा मूवी एक के बाद एक आप देख लें कि एक तरह से ट्रेलर रिलीज़ हो रहा है वो वार से रिलेटेड है, और ख़ासकर जो कि टॉपिक उन मूवीज़ में उठाया जा रहा है और एक तरह से वो इंडिया पाकिस्तान का ही है। तो एक दो नहीं, बेतहाशा मैं मूवी के ट्रेलर बना चुका हूँ, चाहे वो साउथ के हों चाहे बॉलीवुड के हों, तो बेतहाशा उन्हीं सब्जेक्ट पर बन रहे हैं। इसमें वार दिखाई जा रही है इंडिया पाकिस्तान की, या पिछली वार हो चुकी है उनके हवाले से बन रही है, और काफ़ी ज़्यादा मूवी बन रही है ट्रू इवेंट्स के हवाले से, इंडिया चाइना की वार के हवाले से, या किसी भी, तो एक तरह से आप कह लें शायद आई थिंक सो कोई सब्जेक्ट बचा नहीं बाकी। इस साल जितनी मूवीज़ आएंगी सब में वार दिखाई जाएगी, जंगी समा दिखाया जाएगा और लड़ाई झगड़े दंगे फसादात के ऊपर मूवीज़ बन रही हैं, ट्रू इवेंट्स के ऊपर बन रही हैं, ट्रू इंसिडेंट के ऊपर बन रही हैं काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि ज़ाहिर है मुझे तो नहीं लगता कि कोई अच्छा मतलब इस तरह के इकदाम हैं, क्योंकि ज़ाहिर इस तरह से ही होगा कि नेगेटिविटी और ज़्यादा प्रमोट होगी और फैलेगी, जिन लोगों को पता भी नहीं होगा उन लोगों को पता चलेगा और नफरतें फैलेंगी। बनिस्बत मेरे हिसाब से होना ये चाहिए कि मूवी को तो चले पहले एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देखना चाहिए बनिस्बत, लेकिन होता नहीं है इस तरह से, क्योंकि ज़ाहिर जब मूवी बनती है तो लोगों के अंदर जोश वलवला पैदा हो जाता है पुरानी चीज़ों को लेके, पुरानी बातों को लेके, तो फिर नेगेटिविटी प्रमोट होती है, एक तरह से दुश्मनी फैलती है, नफरत फैलती है, और इस तरह से चीज़ें बढ़ती हैं। तो बनिस्बत इस तरह की सोचें नहीं रखनी चाहिए लोगों को, और पॉजिटिव सोचना चाहिए, जो हुआ वो हुआ, लेकिन जो अब है इंडिया पाकिस्तान की हालत, तो इस तरह के इकदाम करने चाहिए कुछ ना कुछ, कि मूवीज़ भी इस तरह की बने कि लोगों की दोस्तियाँ दिखाई जाएँ, मोहब्बतें दिखाई जाएँ, अमन दिखाया जाए, सुकून दिखाया जाए, मिलाप दिखाया जाए, ताकि हो ये कि एक तरह से दोनों ममालिक में इंडिया और पाकिस्तान में ज़्यादातर फिर नफरतें कम हों और लोगों में मोहब्बत फैले। बनिस्बत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ की आवाम या यहाँ की आवाम जो है एक दूसरे से नफरत करती है, पसंद नहीं करती, ऐसा नहीं है। आवाम जो है यानी कि पब्लिक है, बेतहाशा मोहब्बत करती है इंडियन लोगों से, और वहाँ के लोग भी यहाँ के आर्टिस्टों की बहुत ज़्यादा कदर और रिस्पेक्ट करते हैं। जब पाकिस्तान का कोई आर्टिस्ट इंडिया में जाके काम करता है तो उसकी इतनी चर्चा होती है, इतना नाम होता है, इतनी उसको रिस्पेक्ट मिलती है, जितनी उसको अपने ममालिक और अपने वतन में नहीं मिल पाती।
तो यही वजह है कि इस बातों को समझना चाहिए बनिस्बत की, जैसे कि इस तरह की मूवीज़ जो आजकल बन रही हैं जिनके ऊपर मैं रिएक्शन वीडियोस बना रहा हूँ अक्सर, तो बस लोगों को यही सोचना चाहिए कि मूवी को एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देखें, बनिस्बत ना सीरियस हो ना दिल पे लें, क्योंकि इस तरह से बहुत अच्छा होगा, इस तरह से पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोच रहेगी तो ज़्यादातर अच्छा होगा। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं इंडिया पाकिस्तान के हालात फिर से ठीक हो जाएंगे और आना जाना फिर से शुरू हो जाएगा, उम्मीद तो यही की जा सकती है। और बस मैं यही कहूँगा कि मज़ा आया मूवी को, ऐसा एंटरटेनमेंट पर्पज़ के तौर पर ही मैंने इस ट्रेलर को देखा, यानी कि मूवी के ट्रेलर को, जो कि काफ़ी अच्छा शूट किया गया, बनाया गया, स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी, लोकेशन और सब कुछ बहुत ज़्यादा कमाल का था, काफ़ी मेहनत और लगन के साथ काम किया गया है, जो कि साफ वाजे हो रहा है। और आप इस मूवी को देखेंगे तो भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकेंगे, काफ़ी एक तरह से आप कह रहे यूनिक किस्म के सब्जेक्ट है और काफ़ी कुछ इसमें दिखाया गया है जो कि बहुत मज़ेदार किस्म का, एंटरटेनमेंट किस्म का है और बेहतर था। बस मैं इसी बात के साथ अपनी इस बात को एंड करूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का ट्रेलर और उस पर मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यूज मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में, हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।